नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। शहर में जारी सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह एक मालवाहक बोलेरो वाहन ने सिग्नल तोड़कर दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा सक्करदरा चौक पर घटित हुआ। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 10 बजे एक बोलेरो वाहन ने तेज रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए स्कूटी पर चला रही छात्रा को रौंद डाला। इस हादसे में 20 वर्षीय छात्रा जानवी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुर्घटना के बाद उसे पास ही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी को टक्कर मारने के बाद बोलेरो के ड्राइवर ने दुर्घटना स्थल से भागने की कोशिश की और एक अन्य दोपहिया सवार दीपक उइके उसके वाहन की चपेट में आ गया। खबर है कि दीपक को भी गंभीर चोट आई है और उसे मेडिकल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक के बाद एक दो वाहनों को टक्कर मारने के बाद बोलेरो का ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक मालवाहक बोलेरो का ड्राइवर रेड सिग्नल को तोड़कर गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि सक्करदरा फ्लाईओवर के आसपास आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है और ट्रैफिक विभाग के साथ साथ वाहन सवारों को भी और अधिक सतर्क होने की जरूरत है।